आज हम बात करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेरेंट्स को इंतजार रहता है कि मेरे बच्चे का पहला दांत कब आएगा और जब ये छे महीने से साल भर या साल भर से ऊपर का समय निकल जाता है तो बड़ी टेंशन हो जाती बच्चा चलने भी लग गया ऊपर का खाना खाने भी लगे लेकिन डॉक्टर साहब दांत नहीं आए तो इस तरीके की समस्याओं के रिलेटेड ये वीडियो आज हमारा है इसको अंत तक देखिए हम बात करेंगे डिलेड टूथ इरप्शन या वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से बच्चों के दांत देर से आते हैं और क्या वो हैं चीजें जिनकी वजह से हम ये चीजें अच्छे से उनकी टीथिंग में हेल्प कर सकते हैं नमस्कार मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार पीडियाटिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर है अगर उसने दिन छोड़ दिए हैं तो वो दिन उसके आगे गिने जाएंगे इसमें भी हफ्ते दस हफ्ते महीना आगे हो जाता है दूसरा अगर बर्थ वेट कम है तो भी बच्चा स्लो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है या उसका वेट कम हो रहा है या तीसरा जो हो जेनेटिकली कई बार पेरेंट्स में भी देखने को मिलता है कि किसी एक पेरेंट के दाद देरी से आए दादी नानी से इसके बारे में बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट पीडियाट्रिशियन अगर आपको कुछ सलाह देता है विटामिन डी विटामिन ई e, या विटामिन ए के बारे में तो एक हार्मोनल या विटामिन ऐसे करा लेना बहुत अच्छी बात होगी कई बार देखता हूँ पेरेंट्स बिना डॉक्टरी सलाह के या कई बार डॉक्टर भी बिना सिरम एनालिसिस के विटामिन की और कैल्शियम्स की गोलियाँ या ड्रॉप्स शुरू कर देते हैं मेरे हिसाब से ऐसा करना सही नहीं होगा जब तक कि हम उसकी खून में मात्रा सुनिश्चित ना कर लें तो एक डॉक्टरी सलाह के साथ या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ हम बात कर सकते हैं या अगर डेंटल पार्ट पे ही हम देखें या ओरल फीचर्स या ओरल जो कारण है उनके ऊपर बात करें तो हमारा मसूड़ा जी हाँ ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे कि कोई बहुत सारे बच्चे जिनको झटके या एपिलेप्सी आते हैं उसके लिए वो ड्रग्स यूज़ करते हैं उससे मसूड़े बहुत बड़े हो जाते हैं सूज जाते हैं और कठोर हो जाते हैं उस केस में भी दांत को बाहर आने में समस्या होती है तो एक वो रूल आउट करना है दूसरा हमें एक ओरल एग्जामिनेशन करना है जो कि पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक के हमारे फर्स्ट थाउजेंड डेज का मेन फर्स्ट प्रोग्राम है न्यूबॉर्न ओरल स्क्रीनिंग और उसके बाद में हम बच्चे को रेगुलर फॉलोअप में करते हैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ओरल चेकअप करके ये सुनिश्चित कर सकता है कि हाँ वहाँ पे गम पैड्स कैसे हैं उनकी एनाटॉमी देख सकता है वो सारी चीज़ें सुनिश्चित कर सकता है कि अंदर दांत सही से विकसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड जिनके साथ सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी एनाडोनशिया या दांतों की संख्या की कमी देखी जाती है बहुत से रेयर केसेस में कोई भी दांत हमारा मुंह में बनता ही नहीं है तो उसके लिए गर्भावस्था के टाइम के या जेनेटिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं टिप्स की बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों के मसूड़ों को मालिश करें कैसे क्या सुविधा करें जिससे कि दांत आने में सावधानी उनको आराम रहे बच्चों की पहले दिन से ही मसूनों की मालिश करना हमें शुरू कर देना है उसके बाद प्रेस वीडिंग एक बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे मुंह की मसल्स और ये सारी स्ट्रक्चर बैलेंस्ड रहती हैं उनमें अच्छे से जबड़े में विकास होता है डेंटल फॉलिकल्स को अच्छे से स्पेस मिलती क्योंकि हर चीज़ एक स्पेस में ग्रो करती है अगर बहुत पास पास में छोटा जबड़ा होगा तो भी दांत बनने में देरी होती कमी होती है पक्के दांतों की बात करें अगर यहाँ पे हम एक विषय वो भी ले लें तो जरूर मैं यहाँ पे उसको लूंगा कि जब छोटे या दूध के दांतों में कैविटीज हो जाती हैं स्पेशली दो या तीन साल के बच्चों में अगर कैविटीज स्टार्ट हो जाती हैं तो उस टाइम पे पक्के दांत जस्ट बनना ही शुरू होते हैं अंदर फॉलिकल्स में अगर इस तरह की समस्या वहाँ उत्पन्न हो जाती है तो कई बार हमें एनाडोनशा मतलब वहाँ दांत का बनना ही बंद हो जाता है और ऐसे में उस बच्चे के पक्के दांत बनते ही नहीं हैं तो ऐसी सारी कम्यू समस्याओं के साथ बच्चे आते हैं लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो पहले चार दांत का आना वो सुनिश्चित करें एक पीडियाटिक डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करें आइडियली एशियन पॉपुलेशन्स में हम लोग आठ आठ महीने से लेके तो साल भर तक का वेट कर सकते हैं साल भर से ज़्यादा अगर हो जाए बच्चा चलने लग जाए अच्छे से उसके बाद भी अगर दांत ना है तो ये चिंता का विषय है इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें नमस्कार